कैसे हैं आप लोग सब। फिर से और एक लॉन्ग वीकेंड है। 26 जनवरी कल था और आज सैटरडे है, कल फिर संडे, तो 3 दिन छुट्टी है। आधा बेंगलोर तो खाली हो चुका है। आई नो लोगों का ऑलरेडी 3 दिन का वीकेंड प्लान होगा, तो बाहर गए होंगे घूमने अपनी फैमिली के साथ, और बाकी जो घर में है तो रेस्ट ले रहे होंगे, ब्लैंकेट ओढ़ के ठंड का मजा ले रहे होंगे, चाय का चुस्की ले रहे होंगे। पर हम लोग आज पिकनिक के मूड में हैं, तो सुबह सुबह पिकनिक के लिए निकले हैं। क्यों सुभेंदु, क्या बोलते हो? बिल्कुल सुभेंदु आज बहुत चार्ज में है। हाँ, तो लेट्स सी कहाँ जाते हैं। अच्छा जगह मिला तो वहीं पे पिकनिक करेंगे, जीना इसी का नाम है। आज को एंजॉय कर लेते हैं, कल का किसको पता। सो लेट्स स्टार्ट द पिकनिक एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आप लोग बने रहिए और एंजॉय कीजिए। वेदर अपडेट, बाहर ठंड है एंड इट्स ए सनी मॉर्निंग, क्लियर है आसमान और दिन भर धूप रहेगा, इट विल बी ए सनी डे। सो वेदर अच्छा है देखने के लिए। वेदर अपडेट खत्म हुआ, नाउ कार के अंदर का अपडेट। सुभेंदु आज टारगेट है, फिर सुभेंदु का हाइट हम लोग मेजर करते हैं पिकनिक स्पॉट पर। सुभेंदु को शायद जोक समझ में नहीं आया, बाद में उसको ऑफ स्क्रीन समझाती हूँ कि मैं क्या बोली, क्योंकि कंफ्यूज है मैं क्या बोली। अगेन बाइकर्स ग्रुप, ये लोग शायद लौट रहे हैं। रोड बहुत सुंदर है, तो सिटी से भी बहुत सुंदर है रोड।
यहाँ पे सेटल होगी। अगर तुम चाहोगे तो सुविंदु व्हाई नॉट, जंगल में रहेंगे, क्या बोलते हो? यहाँ पे घूमने आने में अच्छा है, रहने के लिए बोर हो जाओगी। गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो जा रही थी यहाँ पे सिटी के पॉल्यूशन और ट्रैफिक से बोर हो गए हैं, जंगल में क्यों बोर होंगे? Tired of the daily grind, we seek a place where we can find solace for a while, to sit in peace for a moment, rejuvenating the mind. This is the hope driving us forward. अभी हम लोग एक खूबसूरत लेक के पास पहुंच गए हैं, जिसका नजारा बहुत सुंदर है, और हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे अपना पिकनिक स्टार्ट करें आज का। कैसा लगा आप लोगों को जगह? बहुत सुंदर है ना? यस, इट्स सो ब्यूटीफुल। और इस जगह में और चार चांद लगाएंगे हम अपना पिकनिक सेटअप डाल के, और फुल मस्ती में पिकनिक करके, और आप लोग एंजॉय कीजिए। यहाँ पे पानी का आवाज थोड़ा सुनिए, इतना सुंदर है पानी का आवाज। शुभेंदु, जगह कैसा लगा शुभेंदु? तो फ्रेंड्स, हम लोग पिकनिक स्पॉट में पहुंच गए हैं। जगह इट इज़ ब्यूटीफुल प्लेस, आप जैसे कि देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ दिख रहा है और सुंदर सा झील का पानी है, और हम लोग यहीं पे थोड़ा आज नया चीज़ ट्राई करेंगे, आप देखते रहिए। सो शुभेंदु काफ़ी एक्साइटेड है अभी अपना पिकनिक सेटअप खोलने में।
तो फ्रेंड्स, ये जगह बैंगलोर से अराउंड 115 किलोमीटर्स दूर में है। चिक्काबालापुर में ये जगह पड़ता है। लेक का नाम है वटुडाहल्ली लेक, और जो गुड़ीबंदे फोर्ट है वहाँ से हार्डली 15 मिनट्स डिस्टेंस में है। ये रोड से जब जाएंगे एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ, जो कि आपको वाटर के एकदम नज़दीक ले आएगा, आप गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी पार्क है, और इधर आप देखेंगे मेरा भी गाड़ी पार्क है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक जो कि एग्जैक्टली आपको इस पॉइंट में लेके आएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूशन है एग्जैक्टली कौन सा टर्निंग पे और कौन सा पॉइंट पे आपको अंदर घुसना है, वो थोड़ा कन्फ्यूशन रहता है। तो मैं लिंक दे दूंगा। का लंच हो गया और अभी बाहर थोड़ा ज़्यादा ही धूप है, इसलिए कार में ही रेस्ट ले रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर निकलेंगे घर के। झील की पानी में ढलते सूरज का रिफ्लेक्शन मानो प्रकृति की सुंदरता का अनोखा दर्पण है। उसमें कुरके बोट पे मछली का जाल बिछाते हुए मछुआरे सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रहे हैं। हंसते खेलते कूदते फूदते मस्ती में मशगूल, छोटे बड़े सभी आनंदित पानी में डुबकी लगाते हुए एंजॉय कर रहे हैं। सो हमारा अभी पिकनिक खत्म हुआ, इवनिंग होने को है और काफी क्राउड बढ़ गया है। अभी हमको अभी सिटी पे जाते जाते 2 आवर्स लगेगा। सो ऑलमोस्ट नाउ इट्स 5 o'clock। सो सुबेंदु निकले फिर घर के लिए। काफ़ी अच्छा टाइम एंजॉय किया हम लोग सुबह से आके। अभी 5 o'clock हो रहा है। ब्रेकफास्ट किए, लंच किए, एंजॉय किए। तो फ्रेंड्स, ये जगह सच में बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहें आप भी आ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे आप एकदम पानी के पास आके एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ नाइस प्लेस। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, टिल देन टाटा, बाय बाय।
हम लोग ये नाइस ब्यूटीफुल प्लेस को बाय बोलते हुए वापस लौट रहे हैं। ये पर्वत, ये नदी, ये झील यही रहेंगे हमेशा, और मानो कि हमें कह रही है जब भी जिंदगी से थक जाओ मेरे पास आ जाना।